अभी मैं प्राइस बता देता हूँ, प्राइस क्या है, मेरा बिल मेरे हाथ में। तेरी ऐसी तैसी देखी उसको, क्या उद्घाटन करा इसने। हाँ जी, तो मैं निकल गया हूँ बाइक लेके, बाइक में टायर डलवाने के लिए। और टायर की कंडीशन कुछ ऐसी है ना, इसमें हवा रुकती है और बिल्कुल टायर तो घिस ही चुका है। साथ में हमने फ्लैग भी लगा दिया बाइक पे। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे और आवाज़ क्लियर आ रही हो। जैसे कि मैं रोड के साइड में खड़ा हुआ हूँ, मैं घर पे वीडियो नहीं शूट कर पा रहा क्योंकि घर पे ना बहुत सारे गेस्ट आ रखे हैं। जैसे मम्मी की अभी सर्जरी हुई थी तो मम्मी को देखने वेखने, संडे वैसे आज, ठीक है। तो प्लान था मैं सुबह जल्दी जाऊँगा टायर डलवाने, पर मैं जा नहीं पाया। मुझे डलवाना है NS 200 में टायर, क्योंकि मेरा टायर जो है बाइक का बिल्कुल घिस चुका है। उसमें मैंने 41,000 किलोमीटर चला दिए और ये बहुत ज़्यादा चला दिया मैंने। तो आज चेंज चेंज करवा दूँगा, मैं प्रॉपर वीडियो में बताऊँगा क्या प्राइस है और कितने का डला है, कौन सा टायर डलवा रहा हूँ। वैसे तो प्लान है अपोलो जाने का, अपोलो ही जा रहा हूँ, वहीं पर ही टायर डलवाऊँगा। बाकी देखते हैं जैसा वीडियो में रहेगा, देखते रहो। इतना आलस आ रहा था ना आने में, संडे का दिन है, संडे में बाहर जाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। एक दिन मिलता है जिसमें भी घर बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, जितने जल्द से जल्द हो पाएगा उतना करा के चल देंगे घर पे। वैसे तो चैन सेट भी चेंज कराना, पर मुझे पता सर्विस सेंटर पे इस टाइम पे नंबर आना बहुत मुश्किल है। फिर भी वहाँ से चलने से पहले एक बार कॉल करके बात कर लूँगा सर्विस सेंटर में, अगर नंबर लगेगा तो करवा लेंगे, नहीं लगेगा तो नेक्स्ट वीक या वीक के बीच में हम देखेंगे। ट्रैफिक देख रहे हो, संडे के दिन भी कितना ट्रैफिक हो रहा है। पेट्रोल भी डलवाना है, पेट्रोल नहीं है बिल्कुल भी, पर पहला काम मुझे टायर डलवाना है। पेट्रोल में आते मैं डलवा लूँगा, इतना है कि मैं पहुँच जाऊँगा और आ जाऊँगा। इतने सारे पौधे प्यारे प्यारे, तो मैं नीचे से जाना पड़ेगा इसके। ट्रैफिक इतना है आज, सोचा नहीं था मैंने। इंडिकेटर नहीं देगा, पर से जाना इसी तरफ है, मुझे पता है ना। बच गया, तो बाइक वाला भी मेरे एकदम साइड में ही था और उसका पता नहीं चल रहा गाड़ी वाले को जाना किधर है। यहीं कहीं था अपोलो का शोरूम, लेफ्ट हैंड साइड पे। कहाँ गया? यहीं। नहीं, ये तो टाटा का शोरूम है। ये रहा। हम पहुंच गए शोरूम पे, बस यहाँ पे टायर देखते हैं, बात करते हैं या नहीं है या क्या सीन है। अंदर चलना पड़ेगा उसके पहले। ठीक है गाइस, मैं पहले जाके बात करता हूँ, फिर देखता हूँ क्या सीन है। Yeah.
देखो गाइस, टायर तो डल गया है, बाकी यहाँ से निकल जाऊँ उसके बाद चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि कितना डिफरेंट आया है बाइक चलाने में या नहीं, कुछ चेंजेस आए हैं, क्या प्राइस है, वो सब मैं बिल के साथ सबको बताता हूँ। बस उससे पहले एक काम कर लेता हूँ कि यहीं पे सर्विस सेंटर है, वहाँ पे जाके एक बार बात कर लेता हूँ, चैन से डल पाएगा अभी जल्दी में कि नहीं। चल भाई रे, देखो अभी मुझे बाइक पे बैठा हूँ ना तो मुझे अभी भी फर्क दिख रहा है बाइक को चलाने में। ओ भाई साहब, चेंजेस तो आए हैं देखो, और थोड़े बहुत नहीं, चेंजेस तो बहुत आया बाइक को चलाने में, बहुत ज़्यादा। मैं पूछ लेता हूँ कितना टाइम लगेगा। हाँ जी, तो सर्विस सेंटर से मैं निकल चुका हूँ, चैन सेट आज नहीं डल पाएगा। पहली बात तो लंच पे हैं सब लोग, दूसरी बात कि चैन सेट अभी अवेलेबल नहीं है सर्विस सेंटर पे। अवेलेबल करवा देंगे बट उसमें थोड़ा समय लगेगा, ज़्यादा भी नहीं, एक से डेढ़ घंटा बोल रहे हैं, पर अभी हम जा रहे हैं घर, नेक्स्ट टाइम डलवाएंगे। अभी चैन टाइट करके उसमें ल्यूब डलवा लेंगे जिससे कि अभी कुछ टाइम और चल जाएगी। बस मैं आज शेयर करने वाला हूँ न्यू टायर का एक्सपीरियंस। अपोलो टायर मेरे ख्याल से बेस्ट टायर है, अपोलो थोड़ा कॉस्टली आता है बाकी टायर से, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ इस टायर के अंदर जो एक लेयर होती है ना, सेफ्टी लेयर जो होती है, बहुत सारे टायर में एक मजबूत धागे की लेयर होती है, ठीक है, इसमें स्टील की लेयर है, या किसी किसी टायर में बहुत पतली लेयर होती है स्टील की, इसमें चौड़ी वाली लेयर है, जिससे कि अगर कोई पंचर होता है ना तो नॉर्मली आसानी तरीके से पंचर होगा नहीं, लाइफ वही है 40 से 50 हज़ार किलोमीटर चलेगी अगर हम नॉर्मल बाइक चलाएंगे तो। और बहुत मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में, वाकई में ही बैलेंसिंग बढ़ गई है बाइक की और स्मूथनेस भी बढ़ गई है बाइक की, क्योंकि जब टायर घिस जाएगा तो ऑब्वियसली बाइक थोड़ी स्टिफ चलेगी, टाइट चलेगी, और उसके अंदर हवा भी नहीं रुकती है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहो, गाजियाबाद से निकलता हूँ, अच्छे से टायर दिखाता हूँ फिट होने के बाद, और बिल दिखाता हूँ, रेट बताता हूँ किस प्राइस में ये टायर डला है और कौन सा टायर है ये अपोलो का। अभी रेड लाइट पूरी खुली भी नहीं है, बस भागना स्टार्ट। ये क्या बात है, वो भाई परफॉर्मेंस तो एकदम बदल चुकी है बाइक की, एकदम बढ़िया। बाकी लाइफ के बारे में पता चलेगा, और गारंटी तो वही है, कटा फिटा 2 साल 5 साल जो भी नॉर्मल टायर्स की रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी राइट हैंड साइड में पेट्रोल पंप मिलेगा, वो ठीक है, पेट्रोल सही वहीं पे मिल जाता है, बाकी तो कहीं पे भी सब जगह यहाँ पे पेट्रोल डलवाया हुआ है। मैं ज़्यादातर नोएडा में पेट्रोल डलवाता हूँ, सब जगह डलवाया हुआ है, ये पेट्रोल पंप छोड़ के मैंने सब जगह पैसे कटवाए हैं, पागल बना देते हैं, पूरा पेट्रोल डलता नहीं है। अरे भाई निकल गया, नहीं निकला, भीड़ तो नहीं है, नहीं है भीड़, चलो बच गया, खैर निकला नहीं पेट्रोल पंप, निकल जाता तो फिर यहाँ डलना ही नहीं था, इसलिए नहीं डला। किधर है, कहाँ वहाँ पे, नॉर्मल है 480, ऊपर रखना एकदम, नीचे मत मारना, चलो 0।
स्कैनर दे दो। देखना भैया, दो बज गए हैं, फिर भी काम जल्दी हो गया। अगर चैनसेट डलता तो टाइम लग जाता, पर 2 बजे तक काम हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। अभी मस्त यहाँ से 15 मिनट में घर। हाँ जी, तो देखिए क्या मौसम, एकदम मस्त बारिश जैसा मौसम हो रहा है। ऐसा लग रहा है आगे बारिश पड़ भी रही है, पीछे थोड़ी बारिश हो रही थी बहुत हल्की हल्की, तो अभी मैं साइड में रुकूंगा एंड वीडियो भी ख़त्म करेंगे और टायर का प्राइस वगैरह भी बता देता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 2:08, यहीं पर साइड में कहीं पर रोक लेता हूँ एंड फिर हम बातें करते हैं टायर के बारे में। अगर NS में या किसी भी बाइक में इस साइज का टायर डलना है तो अपोलो का किस प्राइस पड़ेगा, ठीक है। देखो, JK टायर्स का मुझे 2600 रुपये का बताया था, JK टायर पे टायर का प्राइस 2600 रुपये का टायर बताया था उस दिन मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था, ठीक है। और ये जो इसका टायर है इसका प्राइस उससे तो ज़्यादा है, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हाँ जी, तो अभी मैंने बाइक रोक ली है यहाँ पे और हाँ, तो मैं बात कर रहा था टायर के बारे में। टायर है अपोलो S1 अल्फा वर्जन है, अल्फा S1। साइज़ क्या है, साइज़ है 130/70/17, ठीक है। सेम साइज़ है, जो स्टॉक साइज़ था वही साइज़ है। अभी मैं प्राइस बता देता हूँ, प्राइस क्या है, मेरा बिल मेरे हाथ में। प्राइस है इसका 3450, टोटल प्राइस इतना ही गया है, इंस्टॉल होने के बाद भी 3450, ठीक है। और ये टायर थोड़ा सा महंगा, इससे भी महंगे आते हैं, बट ये मुझे ठीक लगा तो मैंने डलवा दिया, ठीक है। अभी मैं टायर दिखा देता हूँ एक बारी, तो कुछ ऐसा टायर है। ग्रिप वगैरह अच्छी है इसकी, 40-50 हज़ार ही चल जाएगा अगर नॉर्मल चलाएंगे तो। देखते हैं बाकी इसका रिजल्ट क्या रहेगा, और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। साथ में वीडियो भी यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। और प्राइस मैंने बता दिया, चैन सेट डल नहीं पाया, आज सिर्फ टायर का ही काम हुआ है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, साथ में गर्मी भी हो रही है, ठीक है। तो वीडियो ख़त्म करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। वीडियो देख लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो तो वो कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। खाते रहो, पीते रहो, मौज उड़ाते रहो, अपना ख्याल रखो और अपनों का भी ख्याल रखो, और ड्राइव हेलमेट के साथ सेफ करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय बाय, जय श्री राम। ऐसा लग रहा होगा कि इस बार पता ना अगली बार आऊंगा या ना आऊंगा, मुझे तो तभी ऐसा लग रहा था। कार तो गया ना जब शुरू में गया, क्यों कह रहा है यार, चाचा एक बार भी होएगी। चलो चलो भाई, तेरी ऐसी तेरी, देखिए उसको क्या उद्घाटन करा इसने, इतनी देर में बाइक में मूत के भाग गया। चलो भाई, तो यहाँ पे भाई लोग मिल गए थे, उनसे थोड़ी बातचीत होगी, 15-20 मिनट यहीं निकल के, चैन भी टाइट हो गई है।